अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में रिमेनिंग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लिए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिक्स, UNIX एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका आंसर हम देखते हैं। सो हमारे पास इसका आंसर है, UNIX is CLI operating system. It scan damage data user to run different programs at the same time and some of the activities computer system mainframe. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, copy themselves interface, but later on GUI stand for graphical user interface was also introduced. Display information system, destroy data file operating system, erase an entire Microsoft, lie dormant for over the periods of time like Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 7, 8, 10, Windows 10, ये सारी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका आंसर अब हम चेक करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ यूज्ड बाय सिंगल यूज़र एट अ टाइम। इट इज़ ईजी टू यूज, रिसोर्सेज CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नॉट शेयर विद अदर कंप्यूटर्स। इट इज़ यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर। यूज़र कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट सेम टाइम। इट्स रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस। सम एग्जाम्पल्स आर डोज, विंडो 95, विंडो XP, विंडो 7 एक्सेट्रा। ये सारी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। ये हमारे पास है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास आ जाती है, इट इज़ यूज्ड बाय मैनी यूज़र एट अ टाइम। रिसोर्सेज CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर्स अवर नेटवर्क। सिंगल यूज़र में क्या था कि ये चीज़ें जो इसकी हैं, रिसोर्सेज CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ये शेयर नहीं की जाती थी। पर इसमें क्या कह रहे हैं कि ये सारी जो डिवाइसेज हैं हमारे पास आर शेयर विद अदर कंप्यूटर अवर नेटवर्क, ये अदर कंप्यूटर के साथ शेयर की जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम। एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग एंड मैनेजिंग यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड्स। इट्स रिक्वायर्स अ पावरफुल CPU एंड लार्ज मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव्स। सम एग्जांपल्स आर विंडो NT, यूनिक्स एंड लिनक्स एक्सेट्रा। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजिंग डाटा एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इसका आंसर हम देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजिंग डाटा एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग डाटा मीन storing files in secondary storage devices, for example on hard disk or USB flash. This help in finding file easily and quickly. File management tools provide facilities to create folder and copy or move files to them. It also allow the user to delete file and folder. So यहाँ पर हमारे पास question number 8 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करते हैं। इसका आंसर है हमारे पास, रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड ऑल द अटैच्ड विद डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज दीज रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम्स allocate resources of computer to the application program according to the user requirement.
REQUIREMENT requirement, user requirement. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, what type of problems may a student face if no antivirus is installed in his her computer system. सो इसका आंसर है हमारे पास, a computer virus is a program that literally infects other programs and database. Upon contact, it can damage data, software on a computer itself. Some of the activities that a virus are copy themselves to other programs, display information on the screen, destroy data files, erase an entire hard disk, lie dormant for a specified time or until a given condition is met. तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. 8th क्लास आपने ये काम अपना नीट कॉपीज़ पर अटैम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से याद भी करना है, और 9th क्लास आपने ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये सारा जो कोर्स आपको करवाया जा रहा है ये आपके पेपर्स में इंक्लूड होगा. सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.